ठीक है, क्या आप मानते हैं 2024 जो टारगेट गवर्नमेंट का भी है वही टारगेट आपका भी है? क्या लगता है आपको अब वक्त आ गया है? बिल्कुल वक्त आ गया है, और पुरानी पेंशन क्योंकि हमारा एकमात्र सूत्री मार्ग कार्यक्रम है और निजीकरण की समाप्ति, इसी विषय पर टीवा अपना काम कर रहा है। 5 राज्यों ने हमारी बात को मान लिया है, आने वाले समय में केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो ओट ओपीएस का हमारा अभियान चलेगा, और निश्चित रूप से हमारी लड़ाई भी उनसे भी ज़्यादा तगड़ी होगी और पूरे देश में है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। एक सबसे बड़ी समस्या है किसी भी संगठन में, इतना खून पसीना एक करके आप लोग संगठन को आगे बढ़ाते हैं, अपने में ही आत्मघाती लोग पैदा हो जाते हैं। जिस तरह आपका देखिए शिक्षा मित्र का सब हुआ, उस किसान सम्मेलन दुनिया भर के धब्बे लगे, आप दुनिया भर के संगठन चल रहे हैं इस समय, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उनको एक पर मंच पर लाने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? देखिए, अटेवा ही कोई विभाग का संगठन है नहीं जी, अटेवा सफाई कर्मचारी बैठा है, लेखपाल बैठा है, शिक्षा मित्र वो आपका प्राथमिक विद्यालय का टीचर बैठा है, डिग्री कॉलेज का आदमी बैठा है, पुलिस डिपार्टमेंट के भी तमाम लोग आते हैं जो शादी वर्दी में। अटेवा ही एक मंच है जो विभागीय और उन गुटों से बाहर है, अटेवा अपने आप में एक मंच है। जो लोग पेंशन की ईमानदारी चाहते हैं वो अटेवा एन एम ओ पी एस का साथ दें, अगर वो साथ नहीं दे रहे इसका मतलब उनका मकसद कुछ और है, इसको सबको समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए आगे आपकी रणनीति क्या होगी? आगे हमारी 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगे के जो एजेंडे हों तय किए जाएंगे, और हमारे पास बहुत बेहतरीन रोड मैप है 24 के पहले चुनाव के पहले पुरानी पेंशन बहाल करने का। अगर उस रोड मैप पर हमारे साथी चल निकले तो निश्चित तौर से आने वाले समय में 24 के पहले पेंशन बहाल होगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले रविवार को रगड़गंज अंबेडकर नगर में प्रदेश से आए कई जनपदों के पदाधिकारियों और भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज़ बुलंद की और कहा कि यदि 2024 के चुनाव के पहले पुरानी पेंशन बहाल न की गई तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आंदोलन छेड़ा जाएगा। अटेवा प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने कहा कि पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन हमारा अधिकार है, इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। अटेवा की शुरुआती दौर हुआ, अटेवा के आंदोलन को बढ़ाने का दौर आया, उस शुरुआती दौर से भी अंबेडकर नगर खड़ा हुआ और तमाम लोगों ने जिम्मेदारियां ली, जिम्मेदारियां आगे बढ़ाई। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग एक ऐसे शानदार व्यक्ति पर आकर टिके, क्योंकि आज धरती पर पहला कार्यक्रम है एक साथी मेरा हमारे बीच नहीं, पहला शानदार साथी, हर कार्यक्रम में मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर समय पोस्ट की, आज तक मेरा ऐसा एक जिलाध्यक्ष रहा
जो कभी भी मुझे नहीं कहा कि ये नहीं हो पाएगा, कभी भी तमाम जिला पे तमाम शिकायतें करते रहते हैं, ये सब प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, आप अम्बेडकर नगर का जिला अध्यक्ष को कभी नहीं कहा कि बंधु ये नहीं हो पाएगा, अध्यक्ष ये नहीं हो सकता, वहां से आया यहाँ इटली और मुस्कुराते हुए पहला कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है जो हमारे बीच में नहीं, आप सब जानते हैं हमारे पूर्व जिला सोजर शिमला प्रसाद में आज हमारे बीच में नहीं। मैं बड़े अदब के साथ उस आत्मा को, उस परमात्मा से याद करते हुए कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर यही बात कहता हूँ, हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो एक मसाल छोड़ के गए हैं, एक मसाल जला के गए हैं, उस मसाल को उठा करके पंजी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये आप सब की है, आप सबकी है। कार्यक्रम आयोजन समिति जो लोग थे उनको धन्यवाद देता हूँ, हर जगह छोटी पड़ी क्योंकि कार्यक्रम कुछ ऐसा हुआ, पहले हाल में हुआ, जिला हुआ, फिर बाहर हुआ, सम्मेलन महासम्मेलन हो गया, इस हाथ पाथ में चीजें हुई हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किसी शादी ब्याह में नहीं आए, किसाई पनीर मिली की नहीं, हम आए हैं क्या लेने, हम क्या लेने आए हैं, पेंशन, कुर्सी मिल गई तो भी ठीक है, जमीन मिल गया तो ठीक है, खड़े खड़े सुन लिया तो ठीक है, जो मेन काम है वो पेंशन जिसकी हम आप बात करने आए, और हम भी चाहते हैं और आप भी मानते हैं यही बात होनी चाहिए, ठीक है ना, तैयार है, रेडी है, 15-20 मिनट आपसे हमारी बातचीत होगी, दिक्कत नहीं, अब बीच में कोई जाएगा नहीं, ध्यान रखना, बस छूटे तो छूट जाने देना, ट्रेन छूटे तो छूट जाने देना, नाम भी ना ले पाऊं छूट जाए तो छूट जाने देना, टेंशन ना छूटने पाए, टेंशन ना छूटे, पेंशन अगर मिल जाएगी तो नाम का सिलापट अपने अपने घरों में है ना। तो अब आपको बहुत गंभीरता से जिम्मेदारी इस बात को सुनना, जिसके लिए बहुत दूर से आए हैं, हम भी सुबह 8 बजे निकले हैं, आप उस वक्त 10 बजे निकले, मैं 8 बजे निकला हूँ, कल मैं 11:30 बजे घर पहुँचा था, सुबह फिर 8 बजे आ रहा हूँ, आप यहाँ से अपने घर पर जाएंगे, हम रास्ते में तमाम सारा काम करते हुए फिर अगले संडे कहाँ हैं आपके बीच में आए हैं, आज संडे समझ रहे हैं ना, और लोग एहसान करते हैं, और राकेश रमन ने बुलाया जिस भी आ गया जरा संडे खराब हो गया, ऐसा होता एहसान मंदी है, संजय उपाध्याय बार बार कर रहे हैं बंदूक सुन लो बंदूक सुन लो, हमने संजय उपाध्याय को 7 पीढ़ियों का भार डाल दिया, ऐसा ऐसे से नहीं होगा, आज एक संडे आप दे रहे हैं, अगला संडे मैं हल्द्वानी हूँ उत्तराखंड, कब है 26 तारीख को, अगला संडे कब है 5 मार्च, आप होली का अपनी तैयारी करेंगे, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में 5-6 दिल्ली में रहूंगा,